आप सबको बहुत बड़ा नमस्कार। आज तो महिला दिवस है और हमारे लिए बहुत गर्व का दिन, बहुत बेटर तारीफ, क्योंकि महिलाओं को रिकॉग्नाइज करना, महिलाओं के काम को समझना और महिलाओं के काम को अप्रिशिएट करना, उसके लिए दिन बनाया गया। मैं आपको बता दूं, मेरी भी दो बेटियाँ हैं, दो बेटियाँ हैं, तो मुझे महिलाओं की परेशानी के बारे में काफ़ी कुछ पता है। माँ बाप के घर में लड़कियाँ बच्चियों को खूब फ्रीडम होती है, लेकिन जैसे ही ससुराल जाती हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे कुत्ता हो, तो दूसरे तरीके से नहीं खेल रहा है। वो आज़ादी, वो अपना अपनापन और वो करने की इच्छा भी कुछ लगाम सी लग जाती है। ये समाज है, समाज ऐसा बना है और ये सब जगह हो गया, गाँव में नहीं, शहरों में भी हो गया। ये जरूरी नहीं है कि ये शहर वाले या पढ़े लिखे जो है उनकी लड़कियां शहर जब शादी करके जाती हैं तो बहुत आराम से रहती हैं, वो परेशानी सबके लिए। लेकिन आप सबको सलाम, क्योंकि आप उस परेशानी में भी स्वर्ग बनाते हैं। आपने तो उस घर को पहले अपने माँ बाप के घर को स्वर्ग बनाया, जाकर सोचा हो तो स्वर्ग बनाया। उन तकलीफों के बीच में महिलाएं जो काम करती हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया। सब काम जो पहले बच्चे का ध्यान रखना, फिर घर में सास ससुर का ध्यान रखना, बाकी सदस्यों का ध्यान रखना, फिर उस पति को संभालना, उसका भी ध्यान रखना, उसका भी जरूर, वो भी महिला रखती है, और बाकी जो छोटे मोटे समाज है, घर में संभालना, ये करना, ये करना, सब महिला करती है। मल्टी टास्किंग जिसको बोलते हैं वो महिला कर सकते हैं, शायद पुरुष नहीं कर सकता। उसको तो ये काम दे दो, आप जो खेती करना है खेती करेगा, उसके बाद उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। नौकरी करता है तो नौकरी करता है, उसके बाद दिमाग चलना बंद हो जाता है, बाकी काम नहीं। महिला के अंदर बहुत सारे काम एक साथ करने की जो क्षमता है वो शायद भगवान ने उसको दी, शायद पुरुष के पास नहीं। पुरुष मल्टी टास्किंग नहीं कर सकता, एक वक्त में ये काम करता है। कॉमन सर्विस सेंटर ऐसा ही एक जरिया है जो सीएससी है, उसमें मल्टी टास्किंग होती है। आप बैंक का काम भी करते हो, आप टेलीमेडिसिन भी करते हो, आप लोगों को दूसरी सेवाएं भी देते हो, आप पढ़ाई का काम भी करते हो, तो मल्टीटास्किंग है। और इसीलिए कॉमन सर्विस सेंटर महिलाओं के लिए सबसे अच्छा है। हमारी जितनी महिलाएं, हमारे देश में 1 लाख महिलाएं काम करती हैं जो सीएससी चलाती हैं, 1 लाख बहुत पढ़ा है, वो सब आप जैसी हैं, कुछ पढ़ी लिखी हैं, कुछ नहीं पढ़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल कंप्यूटर और फोन चलाना सबको आ जाता है, सबको आता है, सबको पता है व्हाट्सएप, आप सबके पास व्हाट्सएप होगा, आप बताओ जिसके पास व्हाट्सएप है, सब कैसे हैं, सब जानते हैं, कोई जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो अपने गांव में सबको वैक्सीनेट करा दिया। राधा जी के यहाँ मैं उनके गांव उनके घर में गया था, और क्या अमेजिंग है उनकी, उनके जज्बा, उनका जुनून, उनमें कुछ करने की इच्छा, वो बहुत ज्यादा है। और वो सब पेशा नहीं होता है, कुछ हिचकिचाहट होती है, कुछ शायद ससुराल में काम करना और ससुराल में रह के अपनी पहचान बनाने का डर रहता है, उस डर को निकालना है, और कॉमन सर्विस सेंटर का मकसद ये है। तो आज हम लोग आपसे मिलने और आपसे बात करने इसीलिए आए हैं। तो सबसे पहले गोकुल सैनी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने, और आपसे बात करने का हमको अवसर दिया, हमें मौका दिया। मैं यहाँ पहले भी आज था, कुछ लोगों ने शायद मुझे पहले सुना होगा, मैं जब भी आता हूँ मुझे नई चीज़ समझ में आती है, शायद नई करने की इच्छा हो जाती है, और आपसे सीखने का बहुत कुछ मिलता है। कॉमन सर्विस सेंटर वो ही करता है जो उसके जो वील, जिसको हम वीली बोलते हैं, वो बताते हैं कि हमको क्या करना है। तो हम लोग आपसे सीख करके कुछ कोशिश करते हैं उसको कैसे डिजिटल करके और लोगों की मदद की जाए। तो आज जिन महिलाओं को पुरस्कार मिला उन सबको बधाइयाँ, और आपका योगदान, आपका योगदान बहुत है। हम तो कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल देश में जो छोटा छोटा काम करते हैं उनको भी पद्मश्री मिल जाती है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप में से एक निकले जिसको शायद भारत सरकार पद्मश्री मिले, ऐसा हो सकता है।
बातचीत की थी और उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बहुत सालों से काम करते हैं और सिर्फ ऑर्गेनिक करते हैं, कोई एक केमिकल यूज नहीं करते, लेकिन उतना ज्ञान है उसमें शायद किसी साइंटिस्ट के में भी ज्ञान नहीं होगा। अभी नीति आयोग के एग्रीकल्चर का जो फोरम है उसमें उनको मेंबर बनाया गया। बड़े बड़े साइंटिस्ट से बात कर सकते करते हैं लेकिन है किसान वही पहनते हैं, लेकिन उन्होंने उन्होंने मिट्टी से काम करके सीखा है। आपका आप में जो जज्बा है, आप में जो सीखा है वो शायद दूसरे वालों को नहीं आता है। जो बिल्डिंग में या बड़े बड़े ऑफिस में बैठते हैं उनको उतना ज्ञान नहीं होगा जो आपको है, क्योंकि आपने अपने आप काम करके और अपने लोगों के साथ काम करके उनकी परेशानियों को समझा है, उनकी परेशानियों को समाधान करने का तरीका निकाला है। ये बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए हमारी तो उम्मीदें हैं, हम कोशिश भी करते हैं। हमारी कुछ महिलाओं ने राजस्थान में बहुत अच्छा काम किया है, जैसे एक भावना पालीवाल है, उसने 50,000 लड़कियों को सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किया। उसकी मुहिम है सबको सैनिटरी पैड बनाती है और सबको स्कूल स्कूल जाके बच्चों को सिखाती है, क्योंकि ये जो टैबू लगा है उसको सिखाना, समझाना और बताना और उनको बताना उनके घर से, पता नहीं आपको मालूम नहीं है 60% महिलाओं को सर्विकल कैंसर होता है क्योंकि ठीक से सैनिटरी पैड यूज नहीं कर पाती, बताया नहीं था करवा, वो बताना का काम उस महिला ने किया। भावना पालीवाल इसे काशी का एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत करती है, उसके बाद हमने गाड़ी दी हुई, वो गाड़ी ले लेके गाँव गाँव जाती है और महिलाओं को बताती है, समझाती है और बच्चियों को ज्यादा बताती है कि आपको अपने शरीर में अपने को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए। इसमें टैबू नहीं है, ये चीज सिखाते हैं। एक दूसरी एक किरण सैनी, उसने भी बहुत अच्छा काम किया। तो कुछ दिन पहले मुझे बता दी सर, वो गांव वाले बोले तुम इतना अच्छा काम किया तुझे हम प्रधान बना देते हैं, उसको प्रधान बना दिया, लेकिन वो मेहनत किया। तो ऐसी बहुत सारी, एक महिला एक लड़की राजस्थान में थी, पिछले बार जब आई थी दिल्ली मैंने उससे पूछा तो बोली सर मैंने शादी नहीं की, मैं हमारे घर पड़ा परिवार है 15 लोग हैं घर में और मैं सबका ख्याल रखती हूँ, सीएससी की वजह से मैंने 4 पहियों वाली गाड़ी खरीद ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके ये वाला जुनून, ये पैशन और ये लोगों की सेवा करना सिर्फ महिलाओं में। तो आज महिला दिवस पर आप सबको हमारे 4 लाख पीएलडी की तरफ से सलाम और नमस्कार और प्रणाम। छह लाख 50,000 गांव है देश में, हर गांव में एक महिला को डीजीपी सखी बनाना है, वो हमारा उद्देश्य है। क्योंकि हमें लगता है कि जब ये महिलाएं गांव में होंगी तो हमने डीजीपी सखी क्यों की शुरू किया, वो सबसे आसान है, उसमें एक फोन चाहिए और एक डिवाइस चाहिए और ट्रांजेक्शन शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती और लोगों की धीरे धीरे बदल जाती है। इस देश में 60,000 ब्रांचेज हैं बैंक की और 6 लाख गांव हैं, कभी भी बैंक की सर्विस नहीं मिल सकती थी। अभी कुछ दिन पहले जब मैं गोकुल के साथ एक गाँव में गया था तो उन्होंने कहा कि वो लोग अपना दूध जो है हलवाई को बेचते हैं, डेयरी वाले को नहीं बेचती है। क्यों नहीं बेचती है? डेयरी वाला अकाउंट में पैसे डालता है और बोले सर अकाउंट में निकालने के लिए 15 किलोमीटर बैंक ब्रांच जाना पड़ता है, इसलिए कौन जाएगा 15 किलोमीटर, इसलिए 2 रुपए कम अपने हलवाई को दे देते हैं। जब ये डीजीपी शुरू हुआ तो फिर अकाउंट से पैसे निकालने वहीं पर शुरू हो गए और उनकी 2 रुपए की आमदनी बढ़ गई। बहुत ए कंट्रीब्यूशन, बहुत ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। ये जो बदलाव है कि हम हर गाँव में महिलाओं को उनके घर के पास उनके बैंक से पैसे जमा करना, उनके बैंक में पैसे निकालना और उनके बैंक में मिनी स्टेटमेंट और जो भी चीजें उनका सशक्तिकरण होगा। रियल महिला सशक्तिकरण तो फाइनेंशियल से होता है, जब आपके आपके हाथ में जब तक पैसा नहीं होगा तब तक सशक्तिकरण नहीं होगा, फिर वो सिर्फ बात ही बात है। महिला के पास जब तक अपना पैसा नहीं होगा, अपना अकाउंट नहीं होगा, तब तक अपनी बच्चों का अकाउंट खोल देना, आपकी बच्चियां होंगी सबका अकाउंट खोल देना, सबके अकाउंट में पैसे डाल देना। और कुछ कुछ स्कीम्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, एक तो नेशनल पेंशन स्कीम है बहुत अच्छी है, उसमें सेविंग्स हो जाती है, आप कितने भी 100 रुपये महीना डाल सकते हो बहुत पैसे बन जाते हैं और आपकी लड़की के लिए बहुत पैसा हो जाता है। कुछ इंश्योरेंस स्कीम है, LIC की इंश्योरेंस स्कीम है, खोल देना
आपकी बच्ची की शादी के लिए परेशानी नहीं होगी, आपके पैसे जुगर करें। लेकिन आपके ऊपर अगर महिला का सशक्तिकरण करना है तो महिला के हाथ में पैसे का जुगाड़ करना होगा। जब तक उसके हाथ में पैसे नहीं आएंगे, सशक्तिकरण सिर्फ बात ही रह जाएगी, क्योंकि पैसे से सशक्तिकरण हो। और पैसे कैसे आएंगे? पैसे आने के तरीके, एक तो तरीका हमने बताया कि अगर आप कुछ और नहीं करते तो हमारी बेटी की सखी बन जाइए, आपकी आमदनी बढ़ेगी। हमारी कई कई बच्चियाँ 20-20 हज़ार रुपये महीना कमाती हैं सिर्फ ये डीजी पे सखी का काम करने के बाद। 20,000 रुपए महीने की इनकम है। जैसे अभी उन्होंने बताया कि 1,100 आदमी डेली ट्रांजेक्शन करते हैं, सिर्फ अगर 100 डेली करेंगे तो 20,000 रुपए आपकी आमदनी हो जाएगी 100%। और कई चैनल, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी है, लोगों को बताना है, समझाना है और उनके सामने जाना है। और दुआएं तो साथ में, जो बीमार है, जो अपंग है, जो जा नहीं सकता, ऐसे बहुत सारे बूढ़े मिल जाएंगे गांव में, जो बेचारे का अकाउंट है, पैसा है, लेकिन वो जा नहीं सकता, और ले जाने के लिए उसको 2-3 आते हैं जरूरत पड़ती है, वो मौका नहीं मिलता। ऐसे लोगों को आप बहुत मदद कर सकते हैं। और अभी तो हमने एक्स सर्विस मैन जो फौज में काम करते थे, वो गाँव में आ जाते हैं और रहते हैं, उनकी पेंशन आती है, उनको भी तकलीफ होती है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक एक्स सर्विस मैन से मिला था, तो उसके कहा सर मैं 2 साल से इस CSC से अपने पैसे निकालता हूँ, बैंक ब्रांच नहीं गया, जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दुमाहित नहीं लगता, वो इस बच्चे ने तो मेरी जिंदगी बना ली, क्योंकि मुझे तो वहाँ 15 किलोमीटर जाना पड़ता था और लाइन में खड़ा होना पड़ता था, और ब्रांच वाला वैसे भी दुखता, कभी तो चाय पीने चल जाएगा, कभी मतलब कल आना निकालने के लिए, वो सब परेशानी दूर। तो हम लोग डीजी पे सखी इसलिए बना रहे हैं, मैं ये कहना चाहता था कि आपकी आमदनी शुरू होगी, सबसे आसान काम है, और लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, लोग जुड़ जाएंगे और लोगों की मदद होगी। गांव में महिलाओं के छोटा छोटा पैसा अगर उनको जमा करना है, 100 रुपए जमा करना है, तो जमा कहाँ करेंगी? बैंक ब्रांच तो जा नहीं सकती, कहाँ जमा करेंगी? अगर किसी को बोला कि 100 रुपए मेरे को जमा कर दिया अपने अकाउंट में, तो नहीं हो सकता। आप उसके पैसे उसके अकाउंट में जमा कर सकती, वो अकाउंट में जमा कर सकते हैं, अभी फ्री के पैसे जमा करके उसको जमा होगा, उसकी इनकम बढ़ेगी, उसे पता लगेगा कि उसके पास कितने पैसे हैं। और घर में ऐसे होते हैं तो मटके में पैसे ना रख के, या अपनी छत पे पैसे ना रख के, या मिट्टी में पैसे दबा के अपनी बीजी पे सखी को दे देना, आपके अकाउंट में रह जाए, वो रहना छोड़ देते हैं, और बहुत अच्छा होगा। जैसे मैंने कहा, अपनी लड़कियों के लिए एक एक अकाउंट जरूर खोल देना, भगवान दुआएं देगा और आप भी खुशी होंगे। जो तकलीफ आपने सही है, क्योंकि आपके शायद पेरेंट ने आपके अकाउंट नहीं खोला था, परेशानी हुई थी, अकाउंट नहीं खुला, छोटी छोटी बचत नहीं की, वो तकलीफ आपकी लड़की के लिए मत करना, उसका एक अकाउंट खोल देना। और एक तो हमारी जो इंश्योरेंस स्कीम है वो बहुत अच्छी है, जितने पैसे जमा करते रहो उसके बाद पढ़ाई के लिए कुछ पैसे मिल जाते हैं, फिर उसकी शादी के लिए कुछ पैसे मिल जाते हैं, और फिर वो बताते हैं, हमारे ये बच्चे बता देंगे आपको, और वो सेफ है, क्योंकि LIC के हैं तो उसमें नुकसान नहीं होगा। हम लोग वैसे ही चीजें देते हैं जो सेफ होंगी, जिसमें आपको नुकसान नहीं होगा। ऐसी चीजों के चक्कर में मत पड़ना जो चीट फंड वाले हैं, जो आपके बोलेंगे कि 10 रुपए के 1,000 रुपए बना देगा, वो वाला काम नहीं करना। धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन सेफ होगा और साउंड होगा। तो अपनी बच्चियों को अगर सशक्तिकरण करना है तो अपनी बच्चियों को फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और खुद के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए शुरू करने पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक सशक्तिकरण का एक वो जो हम गए थे, मैं लड़की वो कॉलेज नहीं जाती थी, अलवर के गांव में मैं गोकुल सैनी के साथ गया था, तो कॉलेज नहीं जा सकती थी, गांव दूर है, और फादर के स्कूल पे जाना पड़ता था, अपने आप तो नहीं जा सकती। तो गांव में और शहर में बड़ा फर्क है कि शहर गांव वालों के पास आने जाने का साधन नहीं है, वो बहुत मुश्किल होता है, और जब आने जाने का साधन नहीं है तो आय का साधन भी कम हो जाता है। तो हम लोगों ने एक नया शुरू किया है, इलेक्ट्रिक साइकिल, बिजली की साइकिल हमने शुरू की है। अभी हम जिसके पास पैसे है वो तो नई वाली बेच देना, जिसके पास पैसे नहीं है उसकी पुरानी साइकिल को बिजली की साइकिल बना देंगे, थोड़ा पैसा बना। लड़कियां अपने स्कूल और कॉलेज जा पाएंगी, क्योंकि वो साइकिल बहुत अच्छी है, पहाड़ पे भी चलती है, 60 किलोमीटर चलती है एक बार चार्ज के, तो कोई खतरा नहीं है, पैदल जाएगी, उसमें पैडल भी है, अगर किसी ने लटक भी नहीं तो पैडल करके ले आना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गांव के लिए बने लेकिन बहुत अच्छा है। हम लोग चाहते हैं कि बच्चियां स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं,
बस का इंतजार ना करें, जिसके पास जो बाइक खरीद सकता है वो तो बाइक खरीद ले, वो तो आजकल इलेक्ट्रिक बाइक भी आ गया। जो बाइक नहीं खरीद सकते बहुत सारे गरीब है वो साइकिल खरीद ले, जो साइकिल भी नहीं खरीद सकते वो हमारे पीएचडी को साइकिल ले ले, उनको किराए भी दे दे, और अच्छा होगा। आपका बिजनेस चलेगा और हमारे उन बच्चों की मदद मिल जाएगी। कुछ बच्चियां हैं, किसी को अपना सामान बेचने जाना है, किसी को दूध लेके जाना है, साइकिल पर के चला जाएगा। और मैंने जैसे कहा पहाड़ पे चलते हैं हम, जम्मू कश्मीर में चलाते हैं, हिमाचल में भी चलाते हैं, तो पहाड़ पे भी चलती है वो साइकिल, और बिजली की बहुत अच्छी है, उसमें बल्ब भी है, उसमें ब्रेक भी है, सब कुछ है, जो भी आपको चाहिए, स्पीड से चलती है 20 किलोमीटर/किलोमीटर की स्पीड से, बहुत अच्छी स्पीड है, आप स्कूटर से अच्छा चल पाओगे। बच्चों के चेहरे पे जिस दिन ये साइकिल चलाएंगे बिजली वाली, इनकी तो आवाज ही बदल जाएगी, इनके रहने का तरीका। तो ये मोबिलिटी सब ले लेना, कुछ लोन ले लेना, मैं लोन देके आपको साइकिल दे दूंगा, लेकिन हर गांव में 2-3 साइकिल जरूर लगा देना बिजली की है। कोई पेट्रोल नहीं, कोई पेट्रोल नहीं, कोई डीजल नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ शुरू में थोड़ा सा पैसा लगाना है, हम कर देंगे। जैसे मैंने कहा जिनके पास थोड़ा सा पैसा है वो, जैसे राधा जी के पास थोड़ा पैसा है तो उन्हें नई वाली खरीद लेंगे, नई खरीद लेंगे। जिनके पास पैसा नहीं है उनकी पुरानी साइकिल को मैं बदल दूंगा। हम लोग अभी हम 14 तारीख को मैं सीकर जा रहा हूँ, तो वहाँ पे सीकर में 14 पंचायत है और सारे प्रधान बहुत अच्छे हैं। एक्चुअल में तो राजस्थान वैसे भी बहुत अच्छा है, यूपी और बिहार जैसे भी है, बहुत शैतान है वहाँ पे। उनको बदलाव करेंगे सारे, लेकिन प्रधान सब मिलकर कर रहे हैं, बहुत अच्छे। बहुत लोगों ने सबने अपना अपना पैसा दिया है, गाँव वालों ने सबने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया है, एक ने तो अपनी 5 एकड़ जमीन दे दी वहां पर बनाने के लिए। तो गांव में लोगों को काम करने के लिए आप भी कुछ अच्छा करो। अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो आप सबको मैं कैलकाटा ले जाऊंगा, और जो मारवाड़ी है ना उनसे पैसे ले आएंगे आपके रिपोर्टर लोग। जब उनको लगेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो हर मारवाड़ी अपने गांव के लिए कुछ पैसा दे देंगे, बहुत पैसा कमाते हैं और वो देते भी हैं, लेकिन हमारे बच्चों को नए तरीके से सिखाने के लिए कुछ कर देंगे, कुछ पैसा हम कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे। आज भी मैं एक HDFC की बैंक की महिला है, उनको लाने वाला था, वो मुंबई में आ नहीं पाई, उनको इसलिए लाना था क्योंकि कुछ पैसा वैसा दे जाएंगे हमें। दूसरा काम जैसे मैंने कहा कि एक हम करते छोटे छोटे लोन वाला काम होता है, बहुत सारे छोटे छोटे जरूरत है, किसी को 5,000 की जरूरत है, आपके साथ आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बना रखे हैं उसमें आप कुछ कुछ पैसा करते हैं, लेकिन अभी गोकुल सैनी, तो गोकुल सैनी भी बहुत अच्छा है, लेकिन इससे अच्छा शायद नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा। वो कोशिश कर रहे हैं कि महिला बैंक बना दें जिसमें महिलाओं को छोटे छोटे पैसे दे दें, कोई कागज ना मांगे। ये जो बैंक वाला तो इतने सारे डॉक्यूमेंट पर साइन कराता है, आपको 5,000-5,000 रुपये 4,000-4,000 रुपये जो लगे दे दिए और फिर वापस ले लिए और बैंक चला। एक महिला चलाती है, मैंने उसको देखा महाराष्ट्र में, वो चलाती है, सिर्फ महिलाओं का बैंक है और महिलाओं को थोड़े थोड़े पैसे जरूरत होती है, ज़्यादा जरूरत नहीं होती, वो कोई 1-2 लाख-3 लाख पैसे नहीं मांगती, उनको क्या 10,000 रुपये चाहिए, या कोई बकरी खरीदनी है, या कोई गाय खरीदनी है, थोड़े पैसे चाहिए होते हैं, अल्टीमेटली वो ही करना है ना, तो वो करने के लिए वो थोड़े पैसे मिल जाते हैं और फिर उनकी देने की इच्छा भी होती है। बाबा पुरुष तो लेके शैतानी करता है, उड़ा देगा, लेकिन महिला उस पैसे को यूज करेगी और फिर वापस करेगी। तो आप लोग ये भी काम करेंगे, किसी महिला को अगर पैसे जरूरत है तो वो भी हम कर सकते हैं। हमारे जितने भी CAC या डीजी सखी बनी है, हम लोग लीड जनरेट करते हैं। अगर आपके गांव में किसी को गाड़ी चाहिए, स्कूटर चाहिए या कोई भी चाहिए, तो उसकी डिग्री भरने का आपको मार्जिन मिलेगा, एक गाड़ी खरीदवाने में आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, पर आपको कुछ नहीं करना, आपको तो अपने गांव में जितने लोगों को गाड़ी खरीदनी है सबकी डिटेल आप भरना,
आपको 5000 रुपए मिल जाएंगे, उसकी गाड़ी खरीद ली जाएगी, आपका भला होगा। तो आपने अगर 10 लोगों की गाड़ियां खरीदवा दी तो 50000 रुपए की आमदनी ऐसे ही होगी, कुछ नहीं करना। दैट इज हाउ इट इज। तो आप भी वो काम करना, क्योंकि ये बैंकों को चाहिए तो हम उनकी मदद करते हैं आपके थ्रू करेंगे। तो डीजी पे सखी का थोड़ा स्कोप बढ़ा देते हैं। एक तो था बैंक के छोटे छोटे काम करना, एक है किसी को भी किसी गांव में कोई भी लोन चाहिए, वो डीजी पे सखी उस लोगों के लिए उसकी मदद करेगी और हर मदद में उसको पैसे मिलेगी। दैट इज हाउ। तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, डीजी पे सखी की तरफ से मदद मिल जाएगा। और एक बहुत अच्छा काम जो पुलिस वालों ने किया है कि आपको स्वास्थ्य सखी बना दिया, वो बहुत अच्छा काम है, उसमें बहुत मदद होती है। दैट इज वेरी गुड। और इसी तरह आप हमारे लिए रोल मॉडल है, उस गांव में डिजिटल इंडिया का जो भारत का सपना है, जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए आप उस गांव में हमारी प्रतिनिधित्व करती है। आप हमारी वहां पे फाउंडेशन है, आप हमारा आधार है, और आपके बिना तो डिजिटल इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये जैसे मैंने कहा कि मेरी एक बात मान लेना, मैंने इतने साल काम किया है सरकार में, और वैसे भी सबसे ज्यादा आमदनी और सबसे ज्यादा पैसा जो होता है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में ही होता है सबसे ज्यादा। आप बहुत सारे काम कर सकते हो लेकिन इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपको सबसे पहले डिजी पे सखी बना रहे हैं। हमारे भी मकसद है कि अगर आपको आमदनी नहीं होगी, मैं बाकी काम भी आपसे करा सकता हूँ लेकिन उतनी आमदनी नहीं होगी, और ये रेगुलर होगा, हर महीने होगा, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके ले करना है। एक चीज समझ लेना, कभी किसी की ट्रांजेक्शन फंस जाती है तो कोई चिंता मत करना, पैसे हम दे देंगे। कभी एक दो दिन तीन दिन देरी से आता है लेकिन कोई पैसा नहीं जाएगा, वो गारंटी हमारी, आपका पैसा या आपके कस्टमर का पैसा कहीं नहीं जाएगा। सीएससी के अंदर पैसा सेफ है। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना, सर बैंक सखी का काम करना, लोन लीड जनरेशन का काम करना, उससे सबसे ज्यादा पैसा जनरेट होगा। That how you will be generating. और जब पैसा मिलेगा तब आत्मबल होगा, और फिर आप जैसी महिलाओं को बोलना सिखा देंगे स्टेज पे आके, मुद्दा सिखाना है सबको, सिखाने सबको। ये बच्चियां जो इतनी बच्चियां, थोड़ा कभी कभी सीख लिया करो, घर में एक माइक लेकर के घर में प्रैक्टिस कर ली। मैं कहीं का बता दूंगा, घर में मम्मी को बुलाया, पापा को बुलाया, सामने बैठा रहे, भाषण दे दिया, ऐसे माइक लेकर के लकड़ी का पकड़ लेना, कुछ भी बोल देना, ऐसे सीख लेते बच्चे। फिर चार पांच महिला को कहता करके सीख ले, डरना मत, थोड़ा सा इसकी चाहत होती है। हमने भी होती, जब हमने शुरू किया हमें थोड़ी ना पैदाइशी बोलना आता था, हमने भी सीखा। तो वो हिम्मत कर लो, सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऐसी जगह पे आके बोलना पड़ेगा, कुछ भी बोल देना, गलत गलत हो जाए कोई फर्क नहीं। और दूसरा, सब लोगों को थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी सीख लो, थोड़ी सी अंग्रेजी सीख लो, कोई मुश्किल नहीं है, मैं सिखा दूंगा, मैं आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा। अगर 15 दिन में अंग्रेजी बोलनी नहीं आई तो छोड़ देना, मेरी क्लास में अटेंड नहीं करना, 15 दिन में अंग्रेजी बोलना। हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है, हम तो हिंदी बोलते हैं घर में सब लोग, मेरी लड़की का मेरे नाती है, तो वो छोटा है, वो सिर्फ अंग्रेजी बोलता है, हिंदी नहीं बोलता। उसको सारी उसकी अंग्रेजी इतनी अच्छी है कि कई बार मुझे भी देखना पड़ता है डिक्शनरी में उसका मीनिंग, कितनी अच्छी अंग्रेजी है। तो बच्चा है, जब वो छोटा सा बच्चा वो टैबलेट से अंग्रेजी सीख सकता है तो आप भी सीख सकते हो। आप अपने बच्चों को सिखा के देखना कभी भी। आजकल तो यूट्यूब इतना सारा है, कुछ भी कर लेगा, ये कर लेगा, ये करके सीख लेना अंग्रेजी सीख लेना। एक दूसरा धंधा में आजकल बहुत चल रहा है, दूसरा बिजनेस पे सिखा दो, जैसे राधा जी ने बहुत अच्छा करके बोला, ऐसे ही कुछ अच्छा सा करके आपके गांव में अगर आप खाना बनाते हो, लोकल तरीके से बनाते हो, उसका एक यूट्यूब पे डाल देना, और यूट्यूब में यूट्यूब वाले पैसे देते हैं, और उसका सब्सक्रिप्शन लाखों में हो गया तो आपको पैसे देगा, ऐसे बहुत बड़ी इनकम है। तो आपने अगर कभी YouTube पे देखा हो तो बहुत सारी महिलाएं खाना बनाना लगाती है, एक गुजराती महिला है वो खाना बनाना सिखाती है, गुजराती वहाँ गुजराती सिखाती है, और उसके सब्सक्रिप्शन इतने सारे YouTube पे। एक हमारा BLE है जो हमारे काम को YouTube पे डालता है, और उसको करीब करीब 50,000 रुपये महीना मिलता है YouTube वाला, 50,000। तो
कोई परेशानी नहीं है, कोई तंग नहीं करेगा। आप अपने गाँव में जैसे किसी ने कहा आपको गोबर से कुछ बनाते हैं, किसी ने कहा आपको दूसरे मशरूम कल्टीवेशन करते हैं, तो आप अपने गाँव में मशरूम कल्टीवेशन का एक छोटा सा वीडियो अपने नाम से यूट्यूब पर डाल देना, जितना सब्सक्रिप्शन होगा अगर लोग बहुत देखेंगे उसे। आजकल लोग वैसे ही बहुत खाली बैठे रहते हैं, कोविड की लाइफ के काम करना तो यूट्यूब भी देखते हैं तो वो देखेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। और ये पूरा नहीं है, आमदनी है और सेफ है, कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आप तो किसी को समझा ही रहे हो कि हमारे गाँव में राजस्थानी खाना कैसे बनता है, राजस्थानी गाँव में कैसे लोग बनाते हैं कपड़े बनाते हैं। आप अगर कपड़े बनाते हैं अपने घर में तो उसी का वीडियो बना देना कि हम लोग ऐसे कपड़े बनाते हैं, यूट्यूब पे डाल देना। यूट्यूब इज ए गुड सोर्स ऑफ अर्निंग, स्पेशली लड़कियों को, जो छोटी बच्चियां हैं अपनी मम्मी का बना के बता देना, अपना मत डालना क्योंकि मम्मी के ज्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे आपके नहीं होंगे, तो एक के साथ देखते ना कि अच्छा अच्छा मम्मी है तो अच्छा सिखा ली होगी सिखा ली, तो ऐसे करके करना टू दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स फिनोमिनली वेल एस्टैब्लिश्ड। तो यूट्यूब से भी पैसे आप इनकम जनरेशन कर सकते हो, अपनी रिकॉग्निशन और लोग जानेंगे कि ये कोई ये महिला है तो हमें खाना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है। दूसरा था महिलाओं का, जैसे फिर हुआ हेल्थ के लिए, जैसे आरजी ने बताया हम लोग टेलीमेडिसिन करते हैं, अगर आप सब लोग चाहो तो आपके यहाँ पे एक बच्ची को हम लोग ट्रेनिंग कर देंगे बेसिक हेल्थ में, जो छोटी छोटी हेल्थ की चीजें हैं, जैसे महिलाओं अभी किसी ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो सीएस चलाते हैं, महिला को थोड़ी परेशानी होती है और हमने देखा है महिला अगर डॉक्टर के पास जाए ना तो सारी बातें ठीक से नहीं बताती, पहले तो आपने घूंघट, फिर आपको हिचकिचाहट होती है, तो हम लोग कंप्यूटर में जब डॉक्टर लगाते हैं ना उससे फिर आप सारी बातें करते हो, वो तो दूर है बैठा है लेकिन दिखता ऐसे है, तो कंप्यूटर वाला डॉक्टर महिलाओं के लिए ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू फिजिकल डॉक्टर। आप करके देखो, मेरठ में हमने महिलाओं को, वो जिंदगी में कभी डॉक्टर के पास नहीं गई, तो बहुत सारी बेचारी परेशान थी, ले जाते नहीं है, हस्बैंड तो चला जाता है लेकिन महिला नहीं जाती, उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, जब हमने कंप्यूटर वाला डॉक्टर बुलाया तो सारी दिल की बात उसको बताती थी बैठ करके, और डॉक्टर भी ठीक बैठ के उसको डायग्नोस करता था, दवाई देता था और ठीक हो, बहुत सारी महिलाओं को हमने टेलीमेडिसिन के माध्यम से ठीक होते देखा। एक्चुअल में तो टेलीमेडिसिन है महिलाओं के लिए, तो आप लोग कर देना, आप लोग सब एक बार करके देखना, अभी तो फिलहाल हम मुफ्त में करते हैं, किसी डॉक्टर से बात कर लो, अपोलो का डॉक्टर है, फोर्टिस का डॉक्टर है हमारे पास, आप और आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, अगर किसी को स्किन की बीमारी है तो वो होम्योपैथिक वाली दवाई ले, आज एलोपैथी से मत करना, खार खुजली के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा है, और लोगों का ठीक है, इसका ठीक हो गया, इसको भी इसने होम्योपैथी, इसके भी खार खुजली, बोल रहा था मेरे पास खार खुजली थी कोई, मैंने होम्योपैथी कर लिया तो स्किन का कर, तो आप लोग हमारी जो टेलीमेडिसिन है आप खुद करना, फिर अपने आस पास गाँव में जितने लोग हैं उनको कराना, फोन से हो जाएगा, फोन से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं, फोन और वीडियो से बात करने डॉक्टर से, डॉक्टर बता देगा वो दवाई का प्रिस्क्रिप्शन आ जाता है, उसको प्रिंट करना या अपने व्हाट्सएप पे रख लेना और उससे दवाई ले लेना, और दवाई हमारे सिस्टम से खरीदी भी जाती है, जो सीसी चलाते हैं वो दवाई भी खरीद सकते हैं, होम्योपैथी की दवाई तो बम्बई से आती है, वो आपके घर पे आ जाएगी, आप उसको खाते रहना आप ठीक हो जाएंगे। सफेद दाग और ये छोटी छोटी जो बीमारियां हैं जो जिनका एलोपैथी में इलाज नहीं है, होम्योपैथी में क्योर है, होम्योपैथी वैसे मीठी गोली खा के किसी को परेशानी नहीं होती, कोई मरता नहीं है, तो खिला देना सबको मीठी गोलियाँ, मीठी गोलियाँ खिलाना सबका, आप बहुत सारी बीमारियाँ दूर हैं, साइकोलॉजिकल है, और हम आयुर्वेद का भी शुरू कर रहे हैं, एलोपैथी का आप कर लें, जैसे किसी ने कहा आपने 500 रुपये डॉक्टर लिखे, उस गाँव में डॉक्टर नहीं है, उस गाँव से यहाँ आने के लिए बहुत परेशानी है, तो अगर मैं गाँव में अंदर आपको डॉक्टर की सहूलत दे दें तो फिर आपको बहुत फायदा होगा, तो टेलीमेडिसिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। आप लोग सब जाके अपने आप एक बार करके देखना, हिचके ना, मैंने जैसे बोला शुरू में तो हम लोग मुफ्त में कर रहे हैं, बाद में पैसे लेने शुरू करेंगे, तो आप एक बार करके देखना, बात करके देखना डॉक्टर से, एंड विल वेरी गुड फॉर यू। आप लोग छोटे छोटे आपकी परेशानियां, घुटनों में दर्द है, ये परेशानियां ये देख लें। एक जो लास्ट में गाँव में बहुत सारे बूढ़े और बूढ़िया ओल्ड लोग हैं, उनके बच्चे आजकल उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो मैं पूछ रहा था, मैं इनसे पूछ रहा था कि वो जो बूढ़े हैं उनका कैसे क्या करें, हम क्या करें कि उनकी मदद हो सके, उनका भी क्या, उन्होंने भी तो जिंदगी में कुछ किया होगा, आप पुराने तो बच्चे देख लेते थे, आजकल बड़े बच्चे इस जनरेशन के बच्चे शायद माँ बाप का ख्याल नहीं रख पाते, तो हम लोग कुछ करें बूढ़ों के लिए, एक तो बूढ़ों को पढ़ाएं,
या उनको एंगेज करिए, लाइब्रेरी खोले, या उनसे बात करने का जरिया निकाले, या उनसे कहानी सुनने का जरिया निकाले और उनको एंगेज करके उनको भी पार्टिसिपेट कराए। डिजिटल के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है और आपको दुआएं मिलेगी। जो यंग है अपने बूढ़ों को कभी कभी ख्याल रखना, शायद आपको दुआएं देंगे, पता आपकी दुआएं देंगे। हम लोग वो करेंगे जो सरकार नहीं कर पाती है, तो आपकी सहायता लेकर के, आपकी मदद लेकर के हम लोग कोशिश करते हैं कि वो सब इंटरवेंशन करें और जिसकी मदद से देश का भला हो सके और समाज का भला हो सके। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारे पास सब कुछ पढ़ाई के लिए सब कुछ है, जो कुछ भी करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, नए जितने भी कोर्स है, सब कुछ करना चाहते हैं, अपने घर बैठ के कर सकते हैं। IIT मुंबई के कोर्स भी हमारे पास है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना अपने घर। और जिन महिलाओं ने पढ़ाई नहीं की है, अगर उनको पढ़ना है, क्लास 3, 5, 8, 10 और 12 ये भी हमारे पास है, आप कर लेना। और हमारे पास इतना अच्छा है कि एक साल में एक सब्जेक्ट की परीक्षा देना, जैसे 5 साल में 5 परीक्षा देते हैं, आप क्लास 12 में 1 साल हिंदी, 1 साल मैथ, 1 साल इंग्लिश, और 5 साल के जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो ऐसे मिलेगा जैसे CBSE का मिलता है। तो जो वीक है, जो कमजोर है, जो फेल हो जाते हैं, या जो बेचारे किसी कारण से पढ़ नहीं सके, उनकी मदद करना पढ़ने के लिए, ये CBSE का काम है, जो स्कूल नहीं करता है। तो सबको पढ़ा देना, जो गांव या जो ये अपने गांव में सबको पढ़ाएगा, उसके लिए हम एक अवार्ड अनाउंस कर देंगे, दिल की अवार्ड बुला के अवार्ड। तो करने के लिए बहुत कुछ है, हम तो आपसे सीखने आते हैं, और आज का दिन था और मुझे आपसे मिलना था और आपसे सीखना था। कुछ कुछ बातें मुझे समझ में आई, मैंने देखा कुछ को अवार्ड मिला, कुछ ने बताया था क्लिप में, और उससे हमें पता लगा कि और क्या किया जा सकता है अपने गांव में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, और टू एम्पावर पीपल एंड वुमेन इन दिस कंट्री विलेज। तो आप बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा और अच्छा कीजिए और अपने मन में ठान लीजिए कि हमें कुछ करना है। जब वो जज्बा होगा ना करने का, तब कोई आर्ट नहीं है, तब कोई समाज आपको नहीं परेशान करेगा। और डिजिटल में सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता, कोई बहुत बड़ा बिजनेस बनाने की जरूरत नहीं है। एक कंप्यूटर लैपटॉप अपनी बच्चियों को एक लैपटॉप खरीद के दे देना जरूर, लोन लेने का लेकिन अपनी बच्चियों को एक कंप्यूटर लैपटॉप जरूर खरीद देना, इसके बिना शायद देश नहीं बदलेगा। वो बहुत जरूरी है आज के बदलने के लिए, और जैसे इसके हाथ उस माउस पे चलेंगे, उसका जो आत्म सम्मान है वो बढ़ जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, उसमें वो जज्बा और जुनून आएगा, उसको जानने की, ज्ञान सीखने की जो उसमें इच्छा है वो जागृत होगी, एंड शी विल बी वेरी गुड गर्ल वुमन इन फ्यूचर टू कम। और आपका नाम रोशन करेंगे, आपके बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। तो अपने बच्चों का ध्यान रखना, और भगवान आप सबको बहुत लंबी उम्र करें, और देश को बनाने में आप उतनी ही योगदान दें जितना आप अब कर रहे हैं। अगर कुछ और करना है, अगर आपने आज नहीं बोला है, तो आप हमारे गुरु जी को बता दीजिएगा, वो हमको बता देंगे, हम आपके गांव में आकर के वही कर देंगे जो आप करना चाहते हैं। व्हाट आर यू वांट टू डू, सो थैंक यू सो मच, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे फिर कभी, जैसे राधा जी ने मुझे बुलाया था तो मैं उनके घर गया था, बाकी आप लोग बुलाओगे तो मैं आपके घर आ जाऊंगा। कुछ छोटा सा काम, मैं एक छोटा सा लास्ट में बता दूं, हमारा एक बच्चा राजस्थान में चलाता है, उसका दर्जी ऑनलाइन है, क्लास 12 पढ़ा था, एक दर्जी की दुकान पे हेल्पर का काम करता था, सिलाई की दुकान में। आज हमने उसे 25 सिलाई की मशीन दी है, उसने 5 गांव में 5 महिलाओं को जॉब दिया है। उसका पिछले साल का टर्नओवर 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए की टी शर्ट बैग्स, इतना अच्छा बच्चा है। तो शायद बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, उम्र भी बहुत कम है, और बहुत अच्छा है। एक छोटा सा काम है राजस्थान में, और सब कुछ बनाता है, कपड़े, बैग, मास्क, एवरीथिंग ही मेड, हमारे टी शर्ट बनाता है, हमारे हुडीज बनाता है, सब कुछ बनाता है। लेकिन ऐसा बच्चा, इतना अच्छा जज्बा उसके अंदर, कुछ करने की इच्छा, बहुत अच्छा बच्चा है।
ऐसे किसी के अंदर हुनर है, तो करने की इच्छा है, तो हम मदद कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 4 लाख लोकेशंस हैं, 4 लाख में एक एक चीज भी अगर कोई खरीदेगा तो 4 लाख बिकती है, 4 लाख टी शर्ट बिक जाती है। उसके हमने 10,000 टी शर्ट खरीदी, उसे टी शर्ट बिकी, वो अपने सारे देश में बेचती, टी शर्ट बनाता है और बैग भी बनाता है, स्कूल ड्रेस बनाता है, अब तो सब कुछ बनाता है। लेकिन ऐसा भी काम कर सकते हैं कि मुझे लगता है कुछ महिलाएं सिलाई का काम कर सकती हैं, तो उसको बिजनेस नहीं मिलता है। तो अगर आपके अंदर हुनर है, आपको बेचना चाहते हैं, तो हम आपका वो सारा अपने सारे 4 लाख सेंटर पे बेच सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन बनाना आपको होगा, क्वालिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी और सप्लाई भी आपको करना पड़ेगा, मतलब लॉजिस्टिक को बना के देता है, पोस्ट ऑफिस वाले से भिजवा देना। तो कई बार एक दो बार गलती हो जाती है तो उसको चिल्लाता नहीं है, बोला सर वो पोस्ट वाला बदमाशी करता है, वापस दे देता है मेरे को, उसको पत्थर ले आता है, मेरी शर्ट निकाल देता है, कोई बात नहीं। लेकिन वो बच्चा समझ गया बिजनेस करने में एक दो ऊपर नीचे होता है, मैं शुड नॉट बॉदर अबाउट इट, लोग जो मेकिंग मनी चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये देखो 12वीं क्लास पास बच्चा हेल्पर का काम करता था, आज एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़ा है। हमने किसी को पकड़ लिया था, बड़े बड़े सारे लोग आते हैं किसी को पकड़ लेते हैं, उसकी कहानी सुनाते हैं, तो उन्होंने 25 सिलाई की मशीन दे दी और उसने 5 गांव में सेंटर बना दिए, वो महिलाओं से चल रहा है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे सेंटर्स और भी बना सके ताकि आप लोग भी बन कर, ये अकेले से नहीं होता है, बड़ा ग्रुप बन कर। एक मुझे किसी ने लास्ट टाइम बोला था, बोले सर ब्यूटी पार्लर में खोज शुरू करो, बहुत चलेगा, इसकी बहुत डिमांड है गाँव में। अगली बार जब आऊंगा तो किसी न किसी को तो पद्मश्री मिल जानी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र करे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे और आप इसी तरह हर साल सुबह से